हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल फ्लूड विद बीबीएस में। इस बांसुरी के सफ़र में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं तो इतने सारे क्वेश्चन लेकर हम घूमते फिरते रहते हैं और उन सवालों के आंसर हमको नहीं मिलते। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन सभी सवालों के आंसर देने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो नॉर्मली मोटिवेशनल टाइप से है कि आपको मोटिवेट करेगी, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। एक बार वीडियो को रोक कर यहाँ पर आप देख लीजिएगा इनमें क्या चीज़ें हैं। तो बहुत सारे दोस्त डीमोटिवेट हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं बांसुरी को छोड़ना चाहते हैं। उन दोस्तों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि अपने सफ़र को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। दोस्तों, मैंने अपने इस सफ़र की शुरुआत 16 अक्टूबर 2022 को की थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने उस पूरे एक साल के सफ़र को आपके साथ शेयर करने का कि किन किन परेशानियों का सामना मैंने किया है और मैं कहां तक पहुंचा हूं। ठीक है, आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप उस रास्ते पर चलेंगे जो मैं बताने वाला हूँ, तो आप भी मेरे जितना तो सीख ही जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि आप मेरे से आगे निकल जाएं, क्योंकि इस सफ़र पर मैं अकेला ही चला था और आज भी मैं अकेला ही खड़ा हूँ। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ आपका भाई है। अगर कोई परेशानी आपको आती है तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपकी उस समस्या का समाधान बताने की कोशिश करूँगा और इस चीज़ का मैं दोस्तों कोई भी चार्ज या शुल्क नहीं लेता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है, आज से एक साल पहले बहुत सारे लोग बांसुरी बेचने के लिए आते रहते हैं। एक दिन एक बांसुरी बेचने वाला आया और वो इतनी प्यारी धुन बजा रहा था, बहुत प्यारी धुन बजा रहा था। मन किया कि उसके पास जाया जाए, लग रहा था कि भगवान हमको पुकार रहे हैं। हम दौड़ कर गए और उससे एक बांसुरी खरीद लाए। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन शुरू से ही लेकर चलेंगे, पूरी विस्तार से आपको चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो उससे हमने एक बांसुरी खरीद ली। अब हमको तो नहीं पता था कि ये अच्छी होती हैं ख़राब होती हैं, हम तो यही सोचते थे कि जो बांसुरी ये बेच रहे हैं वही अच्छी होती हैं, इतनी सुंदर तो बजा रहा है, हम उससे बांसुरी ले आए। लेकिन दोस्तों, वो अनट्यून्ड थी। आज उस चीज़ का महसूस होता है कि वो बांसुरियाँ अनट्यून्ड होती हैं। जो सड़कों पर बेचने वाले लोग बांसुरी बेचा करते हैं, वो बांसुरी ट्यून्ड नहीं होती। वो बच्चों के लिए ठीक है, शुरुआत करने के लिए भी वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो क्योंकि वो बजाना जानते हैं इसलिए वो उसको मधुरता के साथ बजा लेते हैं। ठीक है, एक अनट्रेंड और एक बिगनर दोस्त उन बांसुरियों को अगर बजाएगा तो वो नहीं बज पाएंगी। ठीक है, तो उन बांसुरियों को आप ना खरीदें। लेकिन हम जिज्ञासावश उस बांसुरी को खरीद लाए, थोड़े दिन फूंक मारी, उठा कर रख दी, यही हुआ। फिर एक दिन अचानक से, ये जो वीडियो देखिए यहाँ पर, मैं इसका लिंक कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा। ये जो वीडियो है ये एक दिन मैंने यूट्यूब पर देखा। दोस्तों, आप देखेंगे कि उसकी बांसुरी में पाधानी वाले स्वर टूटे हुए हैं, उसकी बांसुरी के अंदर सिर्फ सारे गामा हैं। ठीक है, और वो उन चार सुरों से ही बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में जो प्रेरणा जगी कि एक 8 साल का बच्चा जो अनभिज्ञ है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, दोस्तों उस वीडियो से इतनी ज़्यादा एक लगन प्रबल हो गई, एक लगन मन में लगी कि यार जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। एक टूटी हुई बांसुरी के सहारे ये बच्चा बजा सकता है, तो क्या मैं एक अच्छी बांसुरी लेकर मैं नहीं बजा सकता। दोस्तों, ये चीज़ आप पर भी लागू होती है। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं चला सकता, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। यकीन करना, इस वीडियो ने मेरे अंदर इतनी प्रेरणा भरी कि मैंने तुरंत उसी दिन, शायद वो 12 अक्टूबर का दिन रहा होगा दोस्तों, जो मैंने पहली बांसुरी खरीदी थी, सी शार्प मिडिल, ठीक है, इस बांसुरी का बिल मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा इसके अंदर कौन सी डेट मेंशन है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो एक मिडिल फैमिली वाले के लिए 500 रुपये खर्च करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग अमीर हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो 500 रुपये खर्च करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी इस काम के लिए कि जिसकी हमें उम्मीद भी ना हो। तो मन में ख्याल आया कि चलिए 500 रुपये की तो बात है, खर्च कर देते हैं।
ठीक है, हम एक वेल ट्यून्ड बांसुरी ही नहीं खरीद पाते जो बिगनर दोस्त मिडिल फैमिली या उससे नीचे से बिलोंग करते हैं। यकीन करना, एक वेल ट्यून्ड बांसुरी खरीदना ही बड़ा टास्क होता है। फीस तो हम तब देंगे, ठीक है ना। तो हमारे मन में भी जिज्ञासा जब इतनी प्रबल हो गई तो हमने एक बांसुरी का ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब बांसुरी तो आ गई, ठीक है, लेकिन अब अकेले ही सीख रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, देखी दो चार वीडियो आपके जैसे और शुरू किया, अब फूंक ही नहीं निकलती, इस तरह से निकल रही थी आवाजें। पड़ोसी और घर के अलग परेशान हो गए, क्या कर रहे हो, ऐसा ही होता है, ठीक है। कभी निकल आती थी आवाज, कभी नहीं निकलती थी, बड़े परेशान हो गए, पता नहीं बांसुरी खराब है क्या। अक्सर मन में ये ख्याल आता है यार, हो सकता है हमने सस्ती बांसुरी खरीद ली है तो हो सकता है कि हमारी बांसुरी खराब हो, ये भी लगता है। अब कोई बात नहीं, हम तीन चार दिन तक लगे रहे, तीन चार दिन के बाद इस तरह की आवाज आई, जब तीन चार दिन के बाद इस तरह की आवाज हमारी बांसुरी से निकली तो हमको बड़ा अच्छा फील हुआ कि चलो कम से कम आवाज तो निकली, ठीक है। उसके बाद वीडियो देख देख कर हम सीख रहे थे, ठीक है, अब हमने बजाना शुरू किया। अब ये तो साथ ठीक बज रहा है, ठीक है, हम बीच बीच में अपनी पुरानी वीडियो डाल देंगे जो हम शुरू में अगर मिल जाएंगी तो। दोस्तों, हम जिस मोबाइल में रिकॉर्ड करते थे तो वो मोबाइल हमारा टूट गया है, ठीक है, तो चल नहीं पा रहा है वो, तो उसमें वीडियो है लेकिन हम इसमें पता नहीं मिल पाएंगी, नहीं देखते हैं, जो पुरानी वीडियो हमको मिलेंगी हम इस वीडियो में लगा देंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप देखने की कोशिश करना कि क्या क्या चीज़ें हम इतनी बारीक चीज़ें इसमें बताएंगे ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। आप हो सकता है जो समस्याएं हमारे साथ आई हों, आपके साथ चल रही हों या फिर भविष्य में आए, जब हमारे सामने कोई मुसीबत आने वाली होती है ना और हमें उसके बारे में पता है कि ये मुसीबत आएगी तो हम थोड़ा सजग होकर काम करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपके सामने जो समस्याएं आएंगी बांसुरी को लेकर उनका हल आपके पास हो कि ये इस तरह से हल होगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरी देख लीजिएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, 7 बज गया लेकिन इस तरह से नहीं बजा था, वो इस तरह से बजा था, इस तरह की आवाज आ रही थी, ठीक है, इस तरह की आवाज आ रही थी। बोले चलो यार कुछ तो हुआ, कम से कम इससे आवाज निकली, कम से कम इसमें सारे गामा बजने लगा। शायद पहले दिन तो आवाज ही नहीं निकली थी, 3 दिन के बाद आवाज इसमें आई, ठीक है। 3 दिन के बाद 10 दिन तक हम एक एक सुर को बजाते रहे इस तरह से, जो हिसिंग वाली साउंड थी बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, हम साथ में बता देते हैं, देखिए आप शुरू में एक अच्छी बांसुरी खरीदी है, अच्छी क्यों कह रहे हैं हम, आपने कभी किसी प्रोफेशनल बांसुरी बजाने वाले को देखा है कि वो एक लोकल बांसुरी के साथ बजा रहा है, नहीं, जबकि वो बजा सकता है। आप नहीं बजा सकते एक लोकल बांसुरी को जो अनट्यून्ड है, लेकिन एक प्रोफेशनल बजाने वाला एक अनट्यून्ड बांसुरी को भी इस तरह से बजा सकता है कि आप उसमें फ़र्क नहीं पता कर पाएंगे कि ये अनट्यून्ड है या नहीं, लेकिन फिर भी वो अनट्यून्ड बांसुरी नहीं बजाते। और हम बिगनर दोस्त क्या करते हैं, एक अनट्यून्ड बांसुरी पर खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, जब एक अच्छा प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं बजाता इस बांसुरी को, अनट्यून्ड को, तो आप क्यों बजाते हैं ऐसा, आप क्यों करते हैं ऐसा। अब हम कहानी बताएंगे पूरी, इसकी भी बताएंगे कि क्या क्या दिक्कतें आई थी, ठीक है। अब ये बांसुरी हमने शायद 300, देख लीजिएगा बिल में कितना बिल है, 300-400 के बीच की रेंज की बांसुरी थी, ठीक है, ठीक बांसुरी है, ना तो अनट्यून्ड कहेंगे इसको, ना ट्यून्ड ही कहेंगे, बीच की बांसुरी है, ठीक है, ठीक है, शुरुआत करने के लिए ठीक है, अगर आपका बजट कम है तो आप इसको ले सकते हैं, हम नहीं कहते, ठीक है। तो उसके बाद क्या, 10 दिन तक हम इस तरह के हिसिंग साउंड के साथ प्रैक्टिस करते रहे। फिर अचानक से हमको एक यूट्यूब पर बहुत अच्छा चैनल मिला जिसको हम आज भी गुरु मानते हैं, उनको गुरु मानते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, हम उनका नाम नहीं बताएंगे, हो सकता है उनको हमारी बात बुरी लग जाए कि आपने हमारा नाम क्यों लिया, ठीक है, तो नाम नहीं बताएंगे। हाँ, जब थोड़ा अच्छा हम बजाने लग जाएंगे, अभी हम अच्छा नहीं बजाते, ठीक है, अच्छा बजाने लग जाएंगे तब उनको भी बुरा नहीं लगेगा कि चलो हमारा शिष्य
इतने कामयाब हुआ, तो हम उनका नाम बता देंगे आपको, ठीक है। तो एक यूट्यूब चैनल हमको मिला और काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल उनका भी है, ठीक है। हमने यूट्यूब के माध्यम से ही सीखा है, हम और चीज़ें बताएंगे, साथ में चलते रहिएगा। तो उनका यूट्यूब चैनल हमको मिला, जब हमने उनकी स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो किया, दोस्तों सभी गुरुजन हम भी ऐसा नहीं कर पाते कि स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियो बनाएं, ठीक है। लेकिन हमने अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट बना दी है कि बिगनर के लिए सिर्फ उसमें 6 वीडियो ही हैं, उस प्लेलिस्ट के अंदर 6 या 7 होंगी, आप उसको फॉलो कीजिए, उन 6 या 7 वीडियो को ही फॉलो कीजिए, फालतू वीडियो मत देखिए। शुरू में दिक्कत क्या होती है ना, हमने सरगम बजानी सीखी, हमने जैसी सरगम बजानी सीखी, अब हमको लगने लग जाता है कि अब तो हम परफेक्ट हो गए बांसुरी के अंदर। और हम फिर क्या करते हैं, बहुत सारे गुरुजन इस तरह के भी हैं यूट्यूब पर कि वो नोटेशन देते हैं, सिर्फ नोटेशन देते हैं, ठीक है। और जो बेचारे बिना गुरु के सीख रहे होते हैं ना, वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं। यकीन करना, ये एक ट्रैप और एक जाल है। आपने नोटेशन देखे, बजाना शुरू कर दिया, अभी आपको सरगम ही आई है, सरगम भी सही से नहीं आई है, हो सकता आपके सुर भी अच्छे ना निकल रहे हैं, और आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। हम भी फंसे थे, लेकिन जो गुरुजी को हम फॉलो कर रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, उनकी ही वीडियो में कई कई बार ये चीज़ आती थी कि आप नोटेशन देखकर गाने मत बजाइएगा, नहीं बजाइएगा। हमको लगा कि शायद झूठ बोल रहे होंगे, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, हमारा भी था। हमने 2-4 बार प्रैक्टिस की, कोशिश की, वो तो नहीं हो पाता है। नोटेशन देखकर आप गाने नहीं बजा पाएंगे, बजा भी पाएंगे तो उसके अंदर वो मधुरता नहीं आएगी, ठीक है। आप बजा रहे होंगे तो आपको खुद पता होगा इस चीज़ का कि नोटेशन देखकर हम जो गाने बजाते हैं उसमें वो मधुरता नहीं होती, बस लगता है कि हाँ ये गाना बज रहा है, बाकी है या नहीं वो तो आप ही जानते हो। तो हम भी उस ट्रैप में फंस गए, सरगम जैसे ही बजाना सीखी, और हम उन गुरु जी के यूट्यूब के माध्यम से जुड़ गए उनसे, और उनके यूट्यूब के नोटेशन वाले वीडियो देखना शुरू कर दिया, और नोटेशन देखकर थोड़ा बहुत बजाने लग गए। अब हमको थोड़ा विश्वास हो गया कि अब तो हम मांसुरी के मास्टर बन गए। पहले 3-4 महीने के अंदर की बात बता रहे हैं आपको ये, जबकि पहले 3-4 महीने में सरगम ही नहीं आती हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की तो सरगम हमने 1-1.5 महीने में सीख ली थी, और 1-1.5 महीने के बाद हमने ये फालतू का काम शुरू कर दिया, नोटेशन देखकर गाने बजाना। उसमें लिखा होता था बिगनर के लिए सबसे आसान गाना, जैसे ही बिगनर का नाम आता है ना तो सोच लेते हैं ये वीडियो तो हमारे लिए बना है और हम इसको परफेक्ट बजाएंगे। दोस्तों नहीं बजा सकते, ये मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ आपको 1 साल की। तो पहले 3 महीने में हमने ये काम बहुत किया, बज तो नहीं पाते थे, ठीक है, तो चलते रहे इस तरह से। लेकिन फिर महसूस हुआ उनकी वीडियो, जब हमने वापस अपने गुरुजी के चैनल पर गए तो उस वीडियो में हमको ये चीज़ मिली कि आप नोटेशन देखकर कभी भी गाने नहीं बजाएंगे, ठीक है, या अगर आप देख भी लें, हम इतने ही छूट आपको दे रहे हैं कि अगर आप देख भी रहे हैं तो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3री बार उस नोटेशन को मत देखिए, भले ही आपसे गाना बजे या ना बजे, ठीक है। आप 3री बार खुद से ही ट्राई करें, 3री बार में उस पेपर को फाड़ के फेंक दें, ठीक है, जिसमें आपने नोटेशन लिखे। अगर आप ऐसा करेंगे ना, हम आपको 2 बार की छूट दे रहे हैं अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं तब, ठीक है, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो, वरना सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप अपने बेसिक को मजबूत कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, हमारा भी था आपका भी होगा, तो हम इतनी छूट आपको दे रहे हैं कि आप 2 बार से 3री बार उस पेपर को फाड़ के फेंक देंगे और आप कभी भी उस नोटेशन को दोबारा नहीं देखेंगे, ठीक है। आप खुद से ट्राई कीजिए ना, 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 10वीं बार में तो होगा, पक्का होगा, ठीक है। इस जाल में मत फंसिएगा, हम इस चीज़ के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे थे, ठीक है, आगे चलते हैं। अब 3 महीने तक बजाते बजाते हमको कुछ धुनें आ गई थी। अब पहले 3 महीने हमारे इस तरह से ही बीत गए। अब 3 महीने के बाद हमको रियलाइज़ हुआ कि हमने बांसुरी अनट्यून्ड खरीदी हुई है। धीरे धीरे पता चलता है ना चीज़ों का। तो 3 महीने के बाद हमको पता चला कि हमारी जो बांसुरी है वो गलत है और हमें एक सही बांसुरी चाहिए, ठीक है। तो हमने 3 महीने के बाद दिसंबर के महीने में हमने ये बांसुरी खरीदी। ये पूनम फ्लूट की सी मिडिल है, ठीक है। अब कोई भी एक चीज़
यहाँ प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि जब भी आप नई बांसुरी खरीदेंगे, चाहे वो कोई सी भी हो, शुरू में वो अच्छी नहीं बजेगी। चाहे आप कितने ही जो ज़्यादा बड़े कलाकार हैं उनकी तो हम नहीं कहते, हम अपना अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं, तो आपसे शुरू में 1-1.5 महीने वो बांसुरी अच्छे से नहीं बजेगी। जैसी आप पुरानी बांसुरी को बजा रहे थे वैसी नहीं बजेगी, ठीक है। हमने इस बांसुरी को लिया, अब फिर से वही समस्या क्रिएट हो गई, आवाज़ ही नहीं आ रही थी, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। अरे पता नहीं यार, पुरानी वाली बांसुरी तो हमारी सस्ती है, वो अच्छी बजती है, ये तो इतनी अच्छी बांसुरी खरीदी, ये भी नहीं बज रही है हमसे। तो दोस्तों ये सवाल भी आ जाता है कि नई बांसुरी आप जो भी खरीदेंगे, भले ही वो कितनी प्रोफेशनल हो, आपसे शुरू में नहीं बजेगी और वो मधुरता भी नहीं आएगी, क्योंकि उस पर आपकी फिंगर सेट है, उसके बारे में आपको उसकी रग रग से वाकिफ हुआ, ठीक है, इसकी नहीं जो नई आपने खरीदी है। तो आप धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, नई बांसुरी पर भी आप सेट हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस पर भी जितनी आपने पिछले पर की है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको क्या करना चाहिए, एक बांसुरी को लगभग 6 महीने तक बजाना चाहिए, 6 महीने के बाद आप दूसरी बांसुरी पर शिफ्ट होंगे, तो आप ये करना, ठीक है। तो जब हमने ये खरीदी, अब हमसे ये बजी नहीं रही, फिर हमने क्या किया, इसको उठा के रख दिया। हमको लगा पता नहीं क्या सीन है, लेकिन आज इसके बारे में हमको पता है, इसका उत्तर अब हमको पता है कि हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस ही नहीं किया तो कहाँ से बजेगी। तो हमने इसको उठा के रख दिया कि चलो अपनी 300 वाली ठीक है, 300-400 वाली ठीक है, इसी पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब इस पर ही हम प्रैक्टिस करते रहे, क्या करते रहे, सरगम बजाते रहे, अपने YouTube गुरुजी के माध्यम से हमने बाकी वीडियो देखी उनकी, लॉन्ग नोट का अभ्यास करते रहे, सरगम बजाते रहे, अलंकार पर भी हम आ गए थे। तो 4 महीने के बाद हम कुछ अलंकार भी बजा लेते थे, उतने अच्छे से नहीं बजा पाते थे, तो 4 महीने के बाद हम अलंकार तक आ गए थे अपने आप। लेकिन अब हम इस चीज़ में क्या करते थे, हमको देखिए एक चीज़ और बता देते हैं आपको, बहुत ज़रूरी है, आपकी लगन डिसाइड करती है, आपकी लगन और मेहनत, आपकी लगन जितनी प्रबल होगी आप बांसुरी को उतना जल्दी सीखेंगे। लगन का मतलब क्या है कि आपको सोते जागते, आते जाते, खाते पीते आपके दिमाग में बांसुरी चलनी चाहिए, ठीक है। आपकी लगन जितनी प्रबल होगी, यकीन करना दोस्तों, आप मेहनत भी उतनी ज़्यादा कर पाएंगे, रियाज भी उतना ज़्यादा कर पाएंगे। और आपकी लगन ही कमज़ोर है, आप रखकर बांसुरी को भूल जाते हैं और पता ही नहीं बांसुरी कहाँ रखी है आपकी, फिर 4-5 दिन के बाद याद आती है, अरे मेरी बांसुरी तो वहाँ रखी है, फिर आप थोड़ी बहुत देर के लिए बजा लेते, वो लगन नहीं है। आपकी लगन जितनी प्रबल होगी, यकीन करना आप बहुत जल्दी सीखेंगे। तो आप अपनी लगन को प्रबल कीजिए, मजबूत कीजिए, मजबूत बनाइए, ठीक है। आप दुनिया भर में भटकिए मत, किसी एक को फॉलो कर लीजिए और उनकी बातों को ही मानकर आगे बढ़िए। आप भटकते रहते हैं, ये भी एक कारण है, हमने जिस दिन उन गुरुजी का चैनल फॉलो किया था, हम बीच में भटक गए थे नोटेशन के चक्कर में, लेकिन 4 महीने के बाद हमको समझ आ गया था, उन्होंने ही कई बार वीडियो में बताया था, तो हमको समझ आ गया था कि ये गलती नहीं करनी। हमने उस दिन ही कान पकड़ के माफ़ी मांगी, अपने से ही बोला, ठीक है, और उस दिन के बाद से हम सिर्फ उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। अब उसके पीछे का राज हम थोड़ी देर के बाद बताएंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो 4 महीने तक हम अलंकार तक आ गए थे। अब महसूस हुआ कि क्योंकि गुरुजी तो बजाते थे बेस बांसुरी, अब उसी मिडिल से आगे निकल गए थे, ठीक है। गुरुजी की बेस बांसुरी हमको बड़ी पसंद थी, सारे लोग कहते थे यूट्यूब पर बेस बांसुरी में राग बजाए जाते हैं, बेस बांसुरी में बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने फिर से एक नई बांसुरी खरीदी, ठीक है, लेकिन इस बार हमको 6 महीने से ज़्यादा हो चुका था, तो हमने एक जी बेस बांसुरी खरीदी। तो हमने एक जी बेस बांसुरी खरीदी। अब जब बेस बांसुरी का क्या होता है, देखिए इन दोनों बांसुरी में क्या अंतर है, एक तो लंबाई का अंतर है, दूसरी चीज़ क्या है कि इनके जो हॉल हैं वो बड़े हैं, आपको फिंगर को ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। बेस बांसुरी पर आप जब जितनी बड़ी बांसुरी पर जाते जाएंगे, आपकी उंगलियों की स्ट्रेचिंग बढ़ती चली जाएगी। शुरू में तो आपकी सी शार्प मिडिल की बांसुरी पर भी उंगलियां सही से सेट नहीं होंगी,
इस पे भी लगेगा कि कुछ ना कुछ खुला रह गया। ठीक है, शुरू में ये दिक्कत होती है जब हम पहली बार वासरी को बजा रहे होते हैं, ठीक है, कि आपके हॉल खुले रह जाते हैं। आप हमारी पिछली वीडियो देख लीजिएगा इसलिए, ठीक है। तो जी बेस पर हम आए, लेकिन दोस्तों जी बेस में उंगलियां बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करनी पड़ती हैं। अब ये तो हमसे क्या ही बजेगी, लेकिन हमने शौक शौक में खरीद ली बांसुरी। लेकिन कोई बात नहीं, हम अगर दिन भर में 2 घंटे अभ्यास करते थे तो 1.5 घंटा हम इस पर करते थे और 1.5 घंटा हम इसको बजाने की कोशिश करते थे। कोशिश इसलिए कह रहा क्योंकि बस्ती तो थी नहीं। अब सुनने में अच्छा लगता है कि यार बेस बांसुरी होनी चाहिए, लेकिन जब बांसुरी आप लेके बैठेंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो बड़ी बड़ी मिस्टेक कर दी, हमारे बस की बात नहीं है इसको बजाना। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, आपने सुन रखी होगी लेकिन सुनाते हैं, वो इससे थोड़ा रिलेट करती है। तो एक बार एक राजा था, उसकी प्रजा थी, काफ़ी बड़ा राजा था लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। इस तरह से ही कहानियाँ होती हैं। एक पुत्री थी, बड़ी हो गई थी, अब उसका स्वयंवर करना था, शादी करनी थी। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि हमारा एक स्विमिंग पूल है, उसके अंदर से तैरकर उसको जो पार कर देगा उसी से हम अपनी लड़की की शादी कर देंगे और उसको राजा बना देंगे, ठीक है। तो इस बात को सुनकर वहाँ के सारे लोग, सारे के सारे राजा बनने की इच्छा में पहुँच गए वहाँ, ठीक है। अब इसको बांसुरी के साथ आप खुद जोड़ लेना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब सारे लोग वहाँ पहुँच गए कि हमको भी राजा बनना है, हमको भी शादी करनी है, हमारी भी उम्र हो चुकी है शादी की, ठीक है, और राजा भी बनना है, कितनी अच्छी बात है। जितने लोग तैरना जानते थे सारे पहुँच गए। अब वहाँ जब पहुँचे, अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है ना, वहाँ जब पहुँचे राजा वहाँ बैठे थे, बोले चलो भाई तैरना स्टार्ट करो। जैसे ही वहाँ पहुँचे स्विमिंग पूल के पास, सबके सब रुक गए। देखा तो स्विमिंग पूल के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ, बहुत सारे जहरीले सांप पड़े हुए थे और वो काफ़ी बड़ा था स्विमिंग पूल, राजा का स्विमिंग पूल। सारे के सारे लोग मन में सोचने लगे, अरे जब शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बता देते, हम इतनी मेहनत करके इतनी इतनी दूर से आए हैं, ठीक है। सारे लोग सोच में पड़ गए, साला इसमें कौन कूदे, मरने थोड़ी आए हैं इसके अंदर, है कि नहीं। तो एक नौजवान हट्टा कट्टा आदमी, बहुत लंबा चौड़ा, उसने छलांग लगा दी और वो इतनी जोर से तैरा, इतनी जोर से तैरा, उसने इतनी मेहनत की, इतना बल लगाया, इतना मेहनत की और देखते 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 वो स्विमिंग पूल पार कर दिया। सब लोग उसके तरफ गए, तालियां बजाने लगे, वाह भाई वाह, सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे, राजा जी की जय करने लगे, ठीक है। सारे लोग तो बड़े चकित हो गए, यार इसने ऐसा किया कैसे, इतने सारे मगरमच्छों के बीच से, इतने जहरीले सांपों के बीच से निकल के वहां पहुंच गया, ठीक है। अब उसी से पूछने लगे, अरे भाई कैसे किया, बोले ये बताओ पहले धक्का किसने दिया, ठीक है। देखिए इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपको पता है कि उसके अंदर मगरमच्छ है, इतना मुश्किल कार्य है, आप बांसुरी के साथ इसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, इतना मुश्किल कार्य है, लेकिन जब आप उसमें कूद गए तब आपकी जान पर आ बनी, तब आपने पूरी जान लगा दी अपनी जान को बचाने के लिए और उस आदमी ने उसको पार भी किया, उस मुसीबत से निकला भी वो, तो आप इसको बांसुरी के साथ जोड़ सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अगर बांसुरी इतनी आसान होती तो आपको हर जगह बांसुरी बजाने वाले मिलते, ठीक है, आसान तो नहीं है, ठीक है। बांसुरी के अंदर आप सुर साध लेते हैं, मतलब हर एक सुर की आवाज़ आपकी प्रॉपर निकलने लग जाती है। देखिए यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, यहां तक आने तक आप कहीं गए नहीं हो, सुर प्रॉपर निकलने लगा तो समझ लीजिए आपकी जर्नी आज से स्टार्ट हो गई, ठीक है। वो पहले वाले काम है, आपसे फूंक मारनी नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है, ये सब अभ्यास नहीं है, ठीक है। कभी आप इसको भी अभ्यास में गिनो नहीं, ये अभ्यास नहीं है दोस्तों, ये तो आपको वहाँ तक पहुँचना है। जब आपके सुर इसके अंदर से सधे हुए निकलने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी जर्नी आज से स्टार्ट हो गई, आपकी यात्रा शुरू हो गई, ठीक है। तो इतना आसान अगर होता तो हर एक गली के अंदर आज बांसुरी बजाने वाले होते, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है।
आपको मैं डरा नहीं रहा दोस्तों, मैंने पहले कहा कि आपकी लगन जितनी प्रबल होगी आप उतनी जल्दी इसको बजाना सीखेंगे। और यही नहीं, जीवन में कोई दूसरा भी कार्य आप कर रहे हैं उसके प्रति अगर आपकी लगन जितनी प्रबल होगी उसमें आपको जीतने के, उसमें सफलता पाने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब हमारे 4-5 महीने इस तरह से बीत गए। हमने एक कहानी सुनाई थी, आपको याद हो तो, आपने कभी वीडियो देखा हो तो, कि एक बांस का पेड़ शुरू के 6 महीने सिर्फ 6 इंच बढ़ता है और अगले 6 महीने के अंदर वो 60 फीट बढ़ जाता है। तो शुरू के 6 महीने में आप लगभग यही काम कर रहे होते हैं, अपने सुरों को साध रहे होते हैं, फूंक मारना सीख रहे होते हैं, लॉन्ग नोट का अभ्यास कर रहे होते हैं। तो 6 महीने आपके यूं ही बीत जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं, शायद आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो 6-7 महीने हमारे इस तरह से बीत गए। अब मन में ख्याल तो बहुत आता था कि कुछ तो बजाया जाए, कुछ तो सीखा जाए, लेकिन 6 महीने आते आते हमारी बांसुरी में मधुरता आ गई थी, थोड़ी बहुत, इतनी नहीं कि हम किसी को सुनाएं और वो कहे वाह वाह तारीफों के पुल बांधने, इतनी नहीं आई थी। ठीक है, शुरू के 6 महीने के अंदर हम बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं सीखे थे, लेकिन सुर साध लिए थे हमने अपने थोड़े बहुत, तबले के साथ थोड़ा बहुत करने लगे थे। ठीक है, तो 6 महीने आते आते हमने बांसुरी को तबले के साथ बजाना आरंभ कर दिया था। ठीक है, उतना अच्छे से नहीं आता था लेकिन हमने कर दिया था। आप भी कीजिएगा, मेट्रोनोम या फिर तबले के साथ आप अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं जब आपको सरगम आ गई है। ठीक है, BPM थोड़ा कम रखिए अगर तेज़ नहीं बजा पा रहे हैं तो, फिर फिंगर फास्ट कीजिए। तो इस तरह से हमने अपना सफ़र 6 महीने का पूरा किया। उस सफ़र आते आते हम इतना थक गए थे, यकीन करना दोस्तों, केवल एक बांसुरी को पकड़े हुए थे हम 6 महीने तक। हमने खरीद बेशक 2 बांसुरियाँ और ली थी लेकिन हमने इनको बजाया नहीं था। फिर हमको महसूस हुआ कि यार बहुत दिन हो गए इस बांसुरी को बजाते बजाते, अब थोड़ा बेस बांसुरी की तरफ आया जाए। तो हम बीच बीच में कभी कभी इसको बजा लेते थे, तो फिर हम इसको प्रॉपर बजाने लगे। फिर हमने उस बांसुरी को उठाकर रख दिया क्योंकि हमारी नज़र में वो अनट्यून्ड थी। ठीक है, और ये बांसुरी हमने एक प्रोफेशनल बांसुरी बनाने वाले से ही खरीदी थी। ठीक है, तो हमने इस बांसुरी पर शिफ्ट कर दिया और हम दूसरी बांसुरियों पर हम अब ध्यान नहीं देते थे, केवल हम इस बांसुरी को बजाते थे। ठीक है, चाहे गलत बजे या सही बजे, हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। जब भी आप नई बांसुरी लाएं तो ये ना सोचे कि गलत बज रही है, बस बजाने की कोशिश करें। ठीक है, और एक विशेष बात बीच में बता रहा हूँ, जब भी आप अपनी बांसुरी को बजाएं, ये बहुत ही गजब की ट्रिक है। अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं दोस्तों, यकीन मानिए, आप जो काम 6 महीने में करने वाले थे आप 3 महीने में कर पाएंगे अगर आप इस चीज़ को लागू कर देते हैं। और कोई ज़्यादा काम नहीं करना, जब भी आप बांसुरी बजाएं अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। ठीक है, और सुनने का प्रयास कीजिए कि आप क्या बजा रहे हो। आपको अच्छा भी लगेगा, आपको मधुरता भी लगेगी, सब कुछ लगेगा जब आप अपनी बांसुरी को सुनना प्रारंभ कर देंगे। 6 महीने का रियाज आप 3 महीने में कर पाएंगे, जो आप 6 महीने में सीखने वाले थे 3 महीने में सीख जाएंगे। मैं तो कहता हूँ 2 महीने में सीख जाएंगे अगर आपने अपनी बांसुरी को सुनना आरंभ कर दिया और उसमें अपनी गलतियाँ ढूंढने आप लग गए। ठीक है, तो ये भी कीजिएगा आप। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतता गया, एक गुरुजी हमको मिले, क्योंकि गुरु की आवश्यकता हमको फील हुई कि गुरु होना चाहिए। हम क्या बजा रहे हैं, गलत बजा रहे हैं, सही बजा रहे हैं, तो कौन बताएगा। अब YouTube पर जो गुरुजी हैं वो तो आपको रिप्लाई करेंगे नहीं भाई, आज की डेट में फ्री में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, हम जो YouTube पर इतना सब आपको दे रहे हैं, हमको रियलाइज हुआ दोस्तों कि एक बांसुरी बजाने वाला 500 रुपये की बांसुरी नहीं खरीद सकता। तो वो 500 रुपये की फ़ीस या 1000 रुपये की फ़ीस या 1 घंटे के 500 रुपये लोग लेते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, बांसुरी सिखाने के 1-1 घंटे की क्लास के 500-500 रुपये लेते हैं, तो कहाँ से दे पाएगा। तो इसका मतलब क्या गरीब आदमी बांसुरी ना सीखे। गरीब क्या, एक मिडिल फैमिली में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है 500 रुपये निकालना, वो भी 1 घंटे के। तो हमने सोचा कि यार चलो जितना हमको आ गया हम दुनिया को बताते हैं, उनको सिखाते हैं।
ठीक है, तो हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। लगभग उस समय हमको 7 महीने हुए थे, ठीक है, जिस समय हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो जितना हमको आ गया था कि भैया आप हमसे इतना सीख सकते हैं, जितना हमको आ गया, और उसी समय में हमने अपने गुरुजी को ज्वाइन कर लिया। उनसे हमने लगभग 7-8 क्लासें ली थी। वो 2 महीने तक हम उनके पास गए, बहुत अच्छे गुरुजी हैं। उन्होंने हमारी जो गलतियां हम कर रहे थे अपने बादन में, उन्होंने उनको बताया कि आप इस तरह से गलती कर रहे हो। उस समय तक हम 0/0 थे, यकीन करना दोस्तों, जो हम खुद बजा रहे थे हमको पता ही नहीं था कि हम सही कर रहे हैं गलत, तो 0 ही हुए ना। तो उन 2 महीनों के अंदर हमने इतनी मेहनत की, गुरुजी बताते गए और हम उसको करते गए। देखिए, कोई गुरु अगर वो पैसे नहीं कमा रहा है तो आपको 1 घंटे के अंदर ही पूरा ज्ञान दे देगा, लेकिन आप उसको संभाल नहीं सकते, ठीक है भाई। जब तक आप खुद प्रैक्टिस करके उसका आभास नहीं करोगे, आपको वो चीज़ नहीं आएगी। तो गुरु तो आपको दे देगा 1 घंटे के अंदर सारा ज्ञान, ये चीज़ हमने महसूस की, लेकिन आप उसको ले नहीं पाओगे, भूल जाओगे आधी चीज़ें तो वहीं पे कि क्या क्या बताया था, ठीक है। और अगर बता भी दिया तो आपको इतनी बोरियत लगेगी कि यार नहीं, मेरे से बस की बात नहीं है। तो इसलिए गुरु थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं, आप आगे बढ़, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, गुरु जी साथ साथ आपको लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर वो पैसे नहीं कमा रहे हैं तो, और अगर वो पैसे कमा रहे हैं आपसे तो उनके लिए तो आप उनकी संपत्ति हो। जब तक आप रहोगे उनके पास पैसे आएंगे, तो वो कोशिश करेंगे, बहुत सारे नहीं, मैं सब गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट के अंदर ऐसा हो रहा है दोस्तों, मानिए मेरी बात, 6-7 महीने तक आपको केवल सरगम पर ही अटका के रखेंगे, और 6-7 महीने तक आप इतने बोर हो जाओगे उस चीज़ से कि यार कुछ हो तो रहा नहीं है, पैसे अलग जा रहे हैं, उतने पैसे हमारे पास हैं नहीं, आप छोड़ के उसको छोड़ दोगे। तो ऐसा भी हो रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने उन्हीं से सीखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहचाननी होगी कि कौन सही है या कौन गलत है, ठीक है। तो जो गुरुजी हमको मिले उन 2 महीने के अंदर, हमारे पास इतना समय भी था कि हम दिन रात लगे रहते थे, सपने भी हमको उन 2 महीनों में बांसुरी की आते थे, ठीक है। तो उन 2 महीनों में जो हमको मिला उन गुरुजी के माध्यम से, हो सकता है उन्होंने बस हमें प्रेरणा दी। देखिए, प्रेरणा ही तो है, आप किसी काम को कर रहे हैं, कोई आपको आकर मोटिवेट करे कि करिए करिए करिए, ठीक है, तो आपका मन करेगा करने का। और वही चीज़ उल्टा कर दीजिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, हैं। तो उन 2 महीनों के अंदर इतनी ज़्यादा प्रेरणा उनसे हमको मिली। हमारे गुरुजी उम्र में हमसे छोटे थे, जिनसे हमने ऑफलाइन जाकर सीखा, मुश्किल से 6 या 7 क्लासें ही रही होंगी उनके साथ हमारी, फिर मजबूरी बस उनको हमारे पास से जाना पड़ा, वो अब हमारे पास नहीं रहते, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो उन 2 महीने के अंदर उन गुरुजी ने बहुत कुछ दिया हमको, ठीक है, उनका प्यार सदा बना रहे यही आशा करते हैं। तो बहुत कुछ मिला, उसके बाद से फिर हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था, फिर आप लोगों ने सिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, देखिए हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही इसलिए किया था कि ताकि हम ज़्यादा सीख पाएँ, भाई जो आपको सिखाएंगे उसको पहले खुद भी तो सीखना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो हम आपके माध्यम से जुड़े, आपसे जुड़ने लगे, धीरे धीरे हमारी बातों को आप लोग पसंद करने लगे, आपका प्यार भर भर के आने लगा, हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होने लगे, हम और ज़्यादा सीखने लगे, ठीक है। धीरे धीरे करके ये सफ़र आगे बढ़ा, आज हमारे पास बहुत सारे दोस्त सीख रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप अपनी वीडियो बनाकर कि इसमें बता दीजिए क्या क्या गलती चल रही है। देखिए, गुरु बस इतना ही करता है जो हमने सीखा अभी तक, गुरु आपकी गलतियां आपको बता देगा, आपको उस पर सही करने का रास्ता आपको बता देगा, उस रास्ते पर चलना आप ही को पड़ेगा, ठीक है। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे, आप कितने बड़े गुरु के पास चले जाइए, कोई आपको घोल कर नहीं पिलाएगा कि ये लो मैंने घोल के पिला दिया और अब तो आप मास्टर बन गए, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। गुरु केवल आपको रास्ता दिखाएगा, चलना ना चलना वो आपके ऊपर है, ठीक है। हम आपकी इतनी मदद बिना पैसे के निशुल्क कर सकते हैं कि आप अपनी वीडियो बनाइए, हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, नंबर यहाँ है, हम कोई भी चार्ज नहीं लेते। अभी हम 1 साल में सिर्फ 2 बांसुरियों पर प्रैक्टिस किए हैं, और अब 1 साल पूरा हो जाएगा तो अब हम पूरा का पूरा फोकस एफ स्टार बेस पर रखेंगे, ठीक है। बाकियों को भी साथ में बजाएंगे, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देंगे, लेकिन अब हम शिफ्ट कर रहे हैं अपनी एफ स्टार बेस बांसुरी की तरफ, ठीक है। अभी हमको 1 साल हो गया है दोस्तों, अभी हमने 5 राग थोड़े थोड़े सीखे हैं, थोड़े थोड़े, क्योंकि 1 राग को सीखने में आपको जमाना लग जाएगा, तो
तो हम ज़्यादा समय हम तो हुआ नहीं है राग सीखते हुए, राग शिवरंजनी पर हमने 3-4 महीने बिता दिए हैं अभी, और हम थोड़ा बहुत सीखे हैं उसको, थोड़ा बहुत अभी जीरो से स्टार्ट किया है मान के चलिए। राग भोपाली सीखे हैं, राग यमन, राग दुर्गा और राग हंसध्वनि, ये 4-5 राग हैं जो हम सीख रहे हैं अभी, बहुत थोड़ा थोड़ा सीखे हैं। ठीक है, तो अभी 1 साल हमको जब आज पूरा हो जाएगा तो अब हम हमारा सफ़र यहाँ तक आ गया है। ठीक है, और ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, मान के चलिए कि जीरो से हम थोड़ा सा आगे गए हैं, अभी 1 नंबर पर भी नहीं आए हैं, अभी तो बहुत सफ़र बाकी है। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं सीखा हूँ, मैं अभी बिगनर लेवल पर ही हूँ। ठीक है, मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाऊंगा जिसमें एडवांस लेवल और बिगनर लेवल में अंतर मैं बताऊंगा कि एडवांस लेवल क्या है और बिगनर लेवल क्या है। दोस्तों अभी मैं अपने आप को बिगनर लेवल पर ही मानता हूँ। दोस्तों जितना मेरे को आता है इतना आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसका कोई चार्ज नहीं मैं लूँगा आपसे, आप देना भी मत। ठीक है, तो मैं अभी अपने आप को बिगनर लेवल में ही मानता हूँ, अभी ज़्यादा आगे मैं निकला नहीं हूँ। ठीक है, हो सकता निकल जाऊं, भविष्य की बात नहीं करते, लेकिन अभी मैं बिगनर हूं। आप मेरे साथ जुड़िए, आप सब लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, आगे भी आपका प्यार यूं ही बना रहे यही आपसे आशा करता हूं। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।